जब जाएंगे तो कोई जरूरी है कि 15 साल में जाना चाहिए? आने वाला 25 साल की कोई रेखा रख करके जाना है? हम 5,000 साल से जी रहे हैं और 5,000 साल तक जीने वाले हैं एक राष्ट्र के नाते। तो ऐसे में हम इंतजार करने की हमारे पास क्षमता है, हमारे पास समझ है, हमारे पास दर्शन है, इसीलिए इंतजार करने की हमारे पास क्षमता है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में जम्मू कश्मीर और कश्मीर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अटल जी ने कहा कि कश्मीर इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, कश्मीर इज नॉट मेयरली ए पीस ऑफ लैंड फॉर अस इन इंडिया, नॉर इज इट इंपॉर्टेंट टू अस फ्रॉम ओनली अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, rather Kashmir is one of the proud symbols of India's ancient civilization and modern nationhood। देखिए हम कश्मीर क्यों महत्वपूर्ण? कश्मीर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम कश्मीर के साथ सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हजारों सालों से जुड़े हुए हैं, उसको हमने मुकुट माना है। और संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना हमने संविधान में किया है नेशनहुड, उस नेशनहुड में इफ कश्मीर इज नॉट देयर अगेन वी विल प्रूव एज ए फेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। हमारे नेशनहुड का जो टेस्ट है वो कश्मीर, हमारे राष्ट्रवाद, हमारे देश की जो प्रति दर्शन है वो कश्मीर में टेस्ट हो। इसलिए कश्मीर में भारत कभी विफल होना नहीं चाहेगा और भारत कश्मीर में विफलता भारत के राष्ट्रवाद की जो संविधान के अंतर्गत धारणा है उसकी विफलता है। पाकिस्तान की विफलता भी भारत की विफलता मानी नहीं जाएगी। भारत की दृष्टि से हमने पहले कहा कि भाई रिलीजन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशन हो, इसीलिए रिलीजन के आधार पर हम कश्मीर को ना लिया है या कश्मीर को हमने एक मान भारत के साथ। और इसकी संविधान के आधार है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, हमारा एक्सेशन के दृष्टि से और एक्सेशन के बाद जिस प्रकार की हमारी जो गतिविधियां रही समाज के दृष्टि से, ये गलत है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं है, यह गलत है और यह तथ्यों पर आधारित नहीं, घटनाओं के आधार पर इसको आप नहीं कर सकते। हम इतने वर्षों के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से फुल्ली लीगल एक्सेशन इज कंप्लीटली कंप्लीट, इट्स कंप्लीट, इट वाज कंप्लीट, इट वाज लाइक एनी अदर प्रिंसिपल स्टेट। नॉट ओनली एक्सेशन, इवन आफ्टर दैट इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स all those have proved Kashmiri people, Jammu Kashmir people are always there, they have been always with India। पूरे 50,000 एक बार रैली में आ गए तो कश्मीरी लोग आपके साथ में, क्या बात हो, ये कैसे संभव? एक रैली के आधार पर ये 50,000 रैली में आए, तो रैली में नहीं आए वो कितने हैं घरों में जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मान करके हर गतिविधि में भाग लिया और त्याग बलिदान दिया। और इसमें एक संप्रदाय नहीं है, सभी प्रकार के संप्रदाय, सभी लोग, अभी कुछ नाम इन्होंने बताया। इसलिए भारत के अभिन्न अंग है कश्मीर, ये संपूर्ण समाज के मन में भी है। कई लोगों के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, उनकी कभी जनाधार कभी थोड़ा बढ़ता है कभी कम होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो संपूर्ण समाज में व्यापी हो गए हैं। मैं मानने के लिए तैयार और मैं स्वीकारने के लिए तैयार। और अंत में इस विषय में एक बात और कहना चाहूंगा, 370 की धारा चल, मैं बात कहूंगा 370 की धारा जितना घिसना है वो घिस रहा है और घिसता है और किस कर रहे,
और ये घिसेगा और घिसकर रहेगा ये कहने वाला घिसना चाहिए। ऐसे में जितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी ने भी ये नहीं घिसेगा नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा है मतभेद इतना है कि कितना जल्दी खत्म करना है। इस पे था 370 आर्टिकल नहीं रहेगा और वो परमानेंट आर्टिकल नहीं है ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बीआर अंबेडकर गोपाल स्वामी अय्यंगार श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरदार वल्लभ भाई पटेल और संपूर्ण कांग्रेस की वर्किंग कमेटी। इसलिए मैं 370 आर्टिकल की बात उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि 370 इज द गारंटी फॉर रिलीजियस प्लूरलिज्म टू मेंटेन द रिलीजियस प्लूरलिज्म टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस प्लूरलिज्म टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी टू प्रोटेक्ट द सब नेशनलिज्म नेशनलिज्म में जो सब नेशनलिज्म टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज टू प्रोटेक्ट द कस्टम्स टू प्रोटेक्ट द रिलीजन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संपूर्ण देश में 370 नहीं 370 नहीं है तो गुजरात की आइडेंटिटी कब समाप्त हुआ। हमारे देश के राष्ट्रवाद की संविधान के चक्र में गुजराती आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुआ, तमिल आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुआ, तेलुगु आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुआ, बंगला की आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर में जो नहीं है भारत में मुसलमानों की संख्या में कोई कमी नहीं आई और मुसलमानों की दृष्टि से उनको कोई ऐसा नहीं हुआ और उनकी लैंग्वेज में उनकी कस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल वो नहीं संपूर्ण देश में माइनॉरिटीज में भी और संपूर्ण देश में भाषाओं के संदर्भ में मजहब के संदर्भ में 370 के बगैर इस देश के संविधान ने उन सारे अधिकारों को सुरक्षित रखा है और इस देश के समाज ने इन सारे बातों को सुरक्षित रखा। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी अपने पहचान को सुरक्षित रखने का गारंटी भारत की समाज है और भारत की संविधान है जैसे सारे लोगों को रखा है। यह गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि 370 के कारण ही आप सुरक्षित हैं। इनफैक्ट 370 के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है वो तो 370 तो कोई रिलीजन से कोई ले नहीं ये बात हम कह सकते हैं। और इसमें एक बात तो मैं कहना चाहूंगा इस संदर्भ में संपूर्ण जम्मू कश्मीर के राजनीतिक आंदोलन चलाने वालों को ये बात समझने चाहिए किसी भी प्रकार की धारा। अब पाकिस्तान विश्व में कोई स्वाभिमान से लेने वाला नाम नहीं, मैं उसका अपमान नहीं करूं, मैं बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज फेसिंग नाउ टू चैलेंजेस इट हैज टू पास इन कमिंग डेज कमिंग इयर्स। वन, पाकिस्तान एज ए स्टेट इट इज फेलिंग एज ए स्टेट, राज्य के नाते पाकिस्तान जो है आज सबसे अस्तित्व के सामने उसकी चुनौती उसको सामना करना पड़ता है। सो नो पाकिस्तान एज ए स्टेट इट इज फेलिंग। Now even Pakistan as an idea is facing the existential crisis. ये बात आप ध्यान रखिए, ये भारत के कारण नहीं है। कोई भी संपूर्ण देश विश्व में किसी देश का अस्त हुआ है तो हर बार दूसरे देश हड़पने से हुआ है ये नहीं। कई देश ऐसे अस्त हो गए हैं जो दूसरे देशों के हड़पने से अतिक्रमण से और आक्रमण से नहीं हुए, आंतरिक अंतर विरोधों के कारण से भी हुए, आंतरिक खोखलापन से भी हुआ और आंतरिक कई और कारणों से जिसके आधार नहीं था और आपने उस पर बनाया उसके कारण से भी हुआ। इसीलिए पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग ट्विन चैलेंजेस। वन इज ए चैलेंज ऑफ आइडिया एज एन आइडिया and the challenge as a state is facing twin challenges। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में
जो राजनीतिक आंदोलन चलाने वालों के सामने दो प्रश्न खड़े हैं, एक रिलीजन एज ए बेसिस ऑफ नेशनहुड, इसके आधार पर आने वाले दिनों में विश्व में कोई मानने के लिए तैयार नहीं। रिलीजन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड इवन इन पाकिस्तान इवन इन अदर केसेस। तो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, पाकिस्तान जो खुद की चुनौती सामना कर रहा हो और वह पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट पर, पॉलिटिकल सपोर्ट पर और टेबल के नीचे से दिए जाने वाले सपोर्ट पर, जिसको सामने बोला ही नहीं जा सकता, उस सपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में 1947 से 2013 तक जो नहीं कर पाया, 2013 के बाद कर पाएंगे, ये कामना और कल्पना करना उचित है। एक महत्वपूर्ण विषय है ये समझने के लिए, और ये केवल सामरिक विषय नहीं है, ये आंतरिक समझ की विषय है। इसलिए मैं कहूंगा चीन जिस प्रकार से, अमेरिका जिस प्रकार की स्थिति में है, ऐसे में जिस भारत के संविधान के अंतर्गत समाज अक्षुण्ण है, सुरक्षित है, पुष्पित है और पल्लवित है और बाकी सब चीजों के लिए आपको सुरक्षा है और दुनिया में कोई इवन आपको उस जमाने में 1947 में भी कोई इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो वो कोई कल्पना नहीं थी कि कोई सच में यूएन वो की मेंबर बनने वाला देश की कल्पना नहीं थी, ऐसी स्कोप भी नहीं। आप पुराने जो पैरामाउंट्स की एग्रीमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस बात को ध्यान रखें। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां कहना चाहूंगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कश्मीर में चल रहा है, जिसका आधार रिलीजियस नेशनलिज्म, बोले कुछ नहीं लेकिन रिलीजियस नेशनलिज्म, हैज नो ग्राउंड एंड लेजिटिमेसी और फ्रीक्वेंट क्लींजिंग गिव्स एन इमेज दैट कश्मीर की जो सेपरेटिस्ट मुस्लिम्स हैं आर नॉट कंफर्टेबल इन ए सेकुलर फ्रेमवर्क। सेकुलरिज्म विल नॉट सर्वाइव इफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट गेन्स इन जम्मू कश्मीर, क्योंकि सेकुलरिज्म कहीं राय ही कहीं है ही जहाँ ये सेपरेटिस्ट जो उनकी जो कॉन्सेप्ट है यूटोपियन कॉन्सेप्ट, जहां जहां ये सफल हुए हैं वहां कोई सेकुलरिज्म को तो कहीं माना नहीं। इसलिए ये जहां आगे बढ़ेंगे तो सेकुलरिज्म पहला व्यक्ति होगा। 1947 से लेकर भारत में सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सेपरेटिस्ट जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे तो उस दिन सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। और दूसरा मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान वो ताकत नहीं है जो 1947 में है, 1965 में है और बाकी समय में है। आज विश्व के स्तर पर भी पाकिस्तान को वो सम्मान और वो पहचान नहीं है। ऐसे में मेरा तो कहना है कि इस बात को हमें ध्यान में रखें। मैं और महत्वपूर्ण बात और अब कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की भविष्य को हम कल्पना करते समय, द मुस्लिम्स इन जम्मू कश्मीर आर एज डाइवर्स एज हिंदूज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड एज डाइवर्स एज हिंदूज ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी पूर्ण देश में जैसा हिंदू के अंदर विविधता है उतनी ही विविधता जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में। इसलिए कोई कहेंगे कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज दे रिप्रेजेंट द इस्लामिक फॉलोइंग, इसको हम राष्ट्रवाद के लोग जो विविधता में एकता को दर्शन करते हैं और विविधता को उतना ही सम्मान करते हैं जितना एकता को करते हैं, वे लोग हम कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के मुसलमान उतना ही अलग अलग है। उनमें भी ऐसी कई परंपराएं हैं जो भारत की सांस्कृतिक धारा के साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर
बहुत लंबे समय से काटे। मैं आज कह सकता 1948 में यूनाइटेड नेशंस में जनवरी 1 तारीख को नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जब लेके गए थे एक रोमांटिसिज्म, एक आइडियलिज्म। मैं जवाहरलाल नेहरू की देशभक्ति पर मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की प्रशासनिक अनुभव और आदर्शवाद की और व्यवहारिकवाद के बीच में जो उनकी जो भटकाव, उसके कारण देश बहुत लाटे। आज एक बार कल्पना करो, ये जो आपको आज असंभव लग रहा है वो उस दिन संभव था। हम जो काम 1948 से पहले करते आए हैं वो पूरा कर सकते थे। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नामक की कोई जमीन नहीं होता, हमारे सेना जा रही थी, कोई सेना हम जीतने में दिक्कत थी इसीलिए गए, ऐसा नहीं था। इतिहास गवाह है, सच वहां पर है। तो केवल ये है तो आदर्शवाद। और आपको मालूम है टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाज नॉट टेकन टू सिक्योरिटी काउंसिल। आपको जानकारी के लिए बताऊं, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट द फोरम टू एडजुडिकेट द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। सिक्योरिटी काउंसिल इज द फोरम टू जज, टू मॉनिटर, टू रेगुलेट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए हम तो सक्सेसर स्टेट थे यूनाइटेड नेशंस में, हम नया मेंबर नहीं था, हम ब्रिटिश इंडिया का वारिस थे। पाकिस्तान नया स्टेट था, पाकिस्तान नया मेंबर था। हम वहां पर लेके गए, हम लड़ाई जीत रहे थे और हम जाके वहां बताया कि भाई ये अग्रसर है, ये मानो और ये भूल, ये कांग्रेस सरकार की भूल और ये नेहरू जी की भूल आज भारत के लिए बहुत काटे का सौदा। यूनाइटेड नेशंस जो उस दिन ताकतवर नहीं थी आज में बहुत ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं। जो 1947 में नहीं कर पाए वो अभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं, और करने की शायद जरूरत भी नहीं। जो समस्या वो नहीं कर पाए और हम उस समय कर सकते थे, नहीं कर पाए तो भविष्य कुछ कभी हम कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के लोग त्रासदी से पीड़ित है, इस विभाजन से पीड़ित है और ये कृत्रिम विभाजन से पीड़ित है। हमारे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी आक्रमित है और ये केवल हमारी गलती से क्या हुआ है और आने वाले दिनों में। और दूसरा मैं आपको कहूंगा, 1953 में 11 मई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी आया माधवपुर से, अपने अरेस्ट किया। भारत 1953 की त्रासदी को भूलने की स्थिति में नहीं है और भारत की समाज राजनीतिक दृष्टि से कितना भी डिवाइडेड हो, लेकिन देयर इज एन अंडरलाइंग कंसेंसस। 1953 में जून 23 का को देहांत होता है श्याम बाबू का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और उसके बाद परिस्थितियां ऐसे होती हैं शेख अब्दुल्ला को, जो कोई कम प्रभावी नेता नहीं थे, और उनको जेल जाना पड़ा। उमर अब्दुल्ला जी प्रशासन के बारे में बहुत सारे जो चल रहे हैं, जो भाषण हो रहे हैं, प्रशासन पर ध्यान दीजिए। आपको प्रशासन करने का और प्रदेश के विकास करने का लोगों का मैंडेट मिला है। प्रशासन से चुनाव में वोट नहीं मिलता है, गवर्नेंस से वोट नहीं मिलता है, इसीलिए फिर से आप सांप्रदायिक दंगे के ओर समाज को भड़काने का कोशिश मत करिए। इस प्रदेश में शेख अब्दुल्ला से बड़ा और कोई नहीं हो सकता था और शेख अब्दुल्ला जी भी भारत के समाज की और संपूर्ण जम्मू कश्मीर के समाज के सामने क्या हुआ है उस अनुभव से कुछ सीखिए। आई कैन टेल इज अ यंग मैन इवन टुडे, ही मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ। जम्मू कश्मीर के इतिहास और शेख अब्दुल्ला जी के इतिहास से यह गवाह है
कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ झगड़ा करने की समाज नहीं है और एकता में विश्वास करती है और ये एकता अभिन्न है, ये कोई प्रश्न चिन्ह अभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रशासन पर हालत खराब है। मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण जो मुस्लिम समाज है जम्मू कश्मीर में वो हर प्रकार से एक रूपी है, ये नहीं। जो वत्तल समाज है आज भी स्कैवेंजिंग में लाखों लोग होने लगे हुए हैं, उनकी कोई चिंता नहीं हो रही। गुजर बकरवाल है उनकी कोई चिंता नहीं हो रही, उनकी रिजर्वेशन के विषय में चिंता नहीं है, उनकी विकास की चिंता नहीं है। पहाड़ी जो इलाके में रहने वाले हैं उसकी कोई चिंता नहीं है। विकास पर ध्यान देना है क्योंकि पहाड़ियों में रहने वाला और मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे पारसी हो चाहे जैन हो कोई भी हो, विकास के फल सबको मिलना चाहिए। यह संविधान का मूल प्रदत्त अधिकार, इसको कोई वंचित नहीं रख। राज्य सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। डिवाइडिंग लाइंस को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। देश में आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए, इनकी चिंता कहां कर रहे हैं, क्या हो रही है उनकी? कोई नागरिक अधिकार नहीं। यूनाइटेड नेशंस में जाकर के सारे विस्थापित नागरिकों के अधिकार के लिए सारे लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी लड़ रही है, ईरान भी लड़ रही है, इराक भी लड़ रहा है, भारत भी लड़ रहा है, रूस भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, इन मानव अधिकारों का क्या होगा? इन विषयों में चिंता करने की आवश्यकता। लद्दाख एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी भूभाग है। कश्मीर वैली जिस प्रकार के भूभाग है उससे कोई महत्व में उस पर कम नहीं है। चीन अतिक्रमण करता है, वहां लोग परेशान है, त्रस्त है। ऐसे में इतने बड़े लद्दाख में शासन का क्या व्यवस्था है, क्या होगा? और उसकी पहचान की चिंता, उसके अस्तित्व की चिंता, उनके अधिकारों की चिंता। If we are not able to provide justice and equity in administration for the people of Jammu and Ladakh, then we are not giving the right message to the people of the country and to people of the world that the administration and the politics which are now ruling are able to view all these people as one. सारे समाज को एक मानने वाला कभी ये काम नहीं कर सकता और इतने लंबे समय तक लंबित नहीं हो सकते। ये कोई 2 साल का नहीं, ये कोई 4 साल के मुद्दे नहीं। और इसलिए इन बातों पर ध्यान देना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, आपको लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इन सारे समाज और इन लोगों को अभी करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण विषय मैं कहना चाहूंगा, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संन्यास के ओर से जो राष्ट्रवाद के वाक्य हैं, इसमें अंत में मैं 2-3 बात आपके सामने अंतिम बातों के नाते कहना चाहूंगा। 1947 में भारत एक नए राष्ट्र राज्य के नाते, स्वतंत्र राष्ट्र के नाते स्थापित, विश्व की संरचना एक प्रकार से, और उसमें कई वर्षों की गुलामी से हम बाहर निकले। विश्व की संरचना में हमारे स्थान महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन विश्व के अंदर जिस बात को मैंने कहा, जो तात्विक से लेकर संविधान से लेकर के और सारे जो फ्रेमवर्क्स में रहने वाले समाज हैं, वो आज समाज विश्व के अंदर एक महत्वपूर्ण समाज के नाते स्थापित हुआ।
देयर इज ए क्लियर विजिबल परसेप्टिबल शिफ्ट. नाउ पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट एशिया वेयर इंडिया एंड चाइना आर इंपॉर्टेंट फोर्सेस एंड नेशंस विच आर एमर्जिंग. The countries which had the glorious past for thousands of years, now again regaining the ground. विश्व की संरचना में भारत को, भारत के सोच को और भारत के कल्याणकारी दर्शन को नजरअंदाज करके विश्व को चलाना अगर कोई सोचता है तो विश्व में अब आने वाले दिनों में संभव. India has a global ambition. India has a global responsibility. Both. And India's stake in global peace. और इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर हमारे लिए उस दृष्टि से सारे समस्याओं से जल्दी निजात पा करके आतंकवाद से संप्रदायिकता से जल्दी निजात पा. मुझे कई बार लगता है विश्व में इतने लोग विस्थापित हो जाए, लाखों लोग दिल्ली में, लाखों लोग इधर, लाखों लोग उधर, कोई भी संप्रदायिकता, कोई राज्य सरकार चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री इसको कोई मापदंड ही नहीं मान रहा है कि ये लोग वापस आना भी मेरे लिए मेरी प्रशासन का सफलता की एक मापदंड है, इसको बात भी नहीं कह रहा. तो ये आने वाले दिनों में दिल्ली में रहने वाले सरकार हो चाहे श्रीनगर में, जम्मू में रहने वाले सरकार हो, इन सारे बातों को हम समाधान करना है. हम लचीला रहते हुए भी एकता को बनाए रखते हुए और सबके बातों को समाविष्ट करते हुए, सबके हितों को समाविष्ट करते हुए, सबके पहचानों को सुरक्षित रखते हुए, सबके भाषा और बोली को आगे बढ़ाते हुए फिर भी एक देश है और सफल देश है ऐसा हम कहते हुए चलना है. ये हम सबके लिए प्रश्न है और हम सबके लिए मैं कहता हूँ कि ये परीक्षा